ओके तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी वीडियो के अंदर कुछ इस तरीके से लिरिक्स किस तरीके से लिख सकते हो और इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी इंटरेस्ट वीडियो इस चैनल पर रोज आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइज चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने फोन की स्क्रीन पे और गाइस यहाँ पे हमको ना अपना VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन दे दूंगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से डाउनलोड करना और कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ से गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्लस का आइकन है, सिंपल से इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है तो आप लोगों की गैलरी में जितनी वीडियोज है वो आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी। ठीक है तो यहाँ से गाइस आप लोग अपनी वीडियो एक ले लेना। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो वीडियो है वो ऑलरेडी एडिट है। तो इसमें अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मून किस तरीके से एडिट करते हैं, मतलब इस तरीके से एस्थेटिक वीडियो किस तरीके से बनाते हैं, इस टॉपिक पे मैं ना ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं कल ही, तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर से चेकआउट करना। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके की वीडियो है ये। ठीक है तो इतना ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे जो वाटर मार्क है ना इसको हमेशा की तरह क्या करना है आप लोगों को, इस लेयर पे क्लिक करना और इसको डिलीट कर देना। ठीक है डिलीट करने के बाद गाइस अब आप लोगों को म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, म्यूजिक वाले लेयर पे सॉरी लोगो पे क्लिक कर देना। करने के बाद यहाँ पे जो मैं म्यूजिक यूज कर रहा हूँ अगर आप लोगों को ये चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना और वहां से इस म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मैं दे दूंगा। ठीक है करने के बाद गाइस अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने म्यूजिक तो ऐड कर दिया है। अब गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस म्यूजिक को सुनेंगे एक बार। ठीक है अच्छी तरीके से तो कुछ इस तरीके से प्ले करना, म्यूजिक को अच्छी तरीके से सुन लेना। ठीक है तो मेरा जो सॉन्ग है वो है तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार, कुछ इस तरीके से। ठीक है तो मैं क्या करूंगा गाइस इसको अब इसमें लिखना है। ठीक है तो लिखने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले कुछ इस तरीके से म्यूजिक को प्ले करना और जहां से स्टार्ट होता है ना वहां पे कुछ इस तरीके से आना। आने के बाद गाइस यहां पे देख सकते हो यहां पे एक टेक्स्ट का एक लोगो शो हो रहा होगा, यहां पे देख सकते हो ये वाला। ठीक है सिंपल से इस पे क्लिक करना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। करने के बाद गाइस यहां पे क्या करना होगा आप लोगों को, स्क्रीन पे जो यहां पे दिख रहा है ठीक है न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन, इस पे डबल टैप करना। डबल टैप जैसे ही करोगे आप लोगों के सामने ना टाइपिंग पैड ओपन हो जाएगा। तो यहां पे गाइस जो था मेरा लिरिक्स वो था तेरे बिना ना आए सुकून। ठीक है तो यहां पे मैं टैप कर लेता हूं। ठीक है तो कुछ इस तरीके से मैं यहां पे लिखूंगा तेरे, ठीक है और तेरे बिना लिख देता हूं। ठीक है तेरे बिना ये हमारा हो गया। इतना करने के बाद गाइस अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पे देख सकते हो इमोजी वाला भी ऑप्शन है, अगर इमोजीज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहां पे हार्ट की हार्ट इमोजी को ऐड कर देता हूं। अब यहां पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहां पे अनलिमिटेड आप लोगों को टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हो ठीक है अपनी वीडियो के अंदर। तो यहां काफी सारे टेक्स्ट है ठीक है, ज्यादातर तो गाइज यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट यूज होता है ठीक है, एस्थेटिक वीडियोस में ये वाला टेक्स्ट ज्यादा यूज होता है। तो इसको मैं रख लेता हूँ और रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो साइज का भी ऑप्शन है नीचे, यहाँ से साइज आप लोग अप डाउन कर सकते हो, मतलब जितना बड़ा रखना चाहो या छोटा रखना चाहो। तो मैं इसको 23 के अराउंड रख देता हूँ और इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाऊंगा ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ ठीक है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद गाइज हम अब इसमें एनिमेशन डालेंगे। तो एनिमेशन डालने के लिए सबसे पहले हम इसको डन करते हैं और एडिट के बगल में जस्ट देख सकते हो मोशन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना। करने के बाद गाइस यहां पे इन एनिमेशन पे आना है और इसको फेड कर देना और सेकंड नंबर में आउट एनिमेशन पे आना, फिर से इसको फेड कर देना ठीक है देन डन। अब गाइस इसकी जो लेयर है ना टेक्स्ट की इसको पकड़ के पूरा लास्ट तक ले जाना वीडियो के ठीक है। इतना करने के बाद गाइस इतना हो चुका है हमारा ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं अब फिर से यहां से क्या करेंगे कि प्ले करेंगे। अब तेरे बिना तो हमने लिख लिया, अब यहां पे लिखेंगे तेरे बिना और यहां से हमारा बोलता है ना आए सुकून ठीक है। तो क्या करना है अपने लेयर पे क्लिक करना टेक्स्ट वाले और नीचे देख सकते हो गाइस आप लोगों को स्प्लिट का एक ऑप्शन मिलेगा कैंची वाला, इस पे क्लिक कर देना और अपने आगे वाले लेयर पे क्लिक करना और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। करने के बाद अब यहाँ पे लिखना है ना आए सुकून ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से टैप करता हूँ ना आए सुकून ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पूरा कैपिटल में ही लिखना गाइस आप लोग भी ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ना आए सुकून, तो SUKOON सुकून ठीक है देन यहाँ से डन करूंगा। अब गाइस यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ना है ठीक है, आप लोगों को अब डायरेक्ट लिखते जाना है म्यूजिक सुन सुन
करके अब यहाँ से बोलता है ना आय करार, ठीक है। फिर से मैं अपने टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, नीचे फिर से स्प्लिट करेंगे एंड फिर से अपने आगे वाले लेयर पे क्लिक कर दें एंड यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना और यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा ना आय करार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ना आय करार, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फटाफट। तो आप लोग हमेशा यार याद रखना कैपिटल में ही लिखना, तब आप लोगों की फॉन्ट ज्यादा अच्छी लगेगी, सिनेमैटिक लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिख लिया मैंने, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे मुझे बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर से उसी तरीके से क्लिक करूंगा अपने लेयर पे, यहाँ से नीचे से स्प्लिट करूंगा और यहाँ से इस आगे वाले लेयर पे क्लिक करूंगा, एडिट पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे लिख लूंगा, ठीक है। गाइज मेरा साउंड तो इतना ही था, ठीक है, यहीं तक था, तो इसलिए मैं यहाँ तक लिख लिया। अगर आप लोगों का साउंड और ज्यादा लंबा है कुछ इसी तरीके से सुन सुन के आप लिखते जाना। बाकी हम एनिमेशन वगैरह स्टार्टिंग में ही सेट कर लिए थे। यहाँ पे एक बार आप लोगों को मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, तब आप लोग ज्यादा समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से अपना जो है लिरिक्स को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं एक बार वीडियो को प्ले कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हमने जो लिरिक्स लिखा है उस पे आप लोग ध्यान दो, साउंड नहीं चला सकता बिकॉज कॉपीराइट आ सकता है इस वीडियो पे, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छी तरीके से यार हमने जो है ना अपने लिरिक्स को लिखा है। यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है और सब कुछ सही तरीके से है, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को अपनी वीडियो पे किस तरीके से इस टाइप से लिरिक्स को लिखना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। फिलहाल के लिए गाइज आज इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।